अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जो बनाने लगी हूँ वो हैं मटन के दम कबाब। उनके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, मेरे पास एक पाव जितना कीमा है और दो छोटे से प्याज हैं मेरे पास, और आधा लहसुन का गट्ठा है, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखी धनिया, और मैं इसमें कसूरी मेथी भी शामिल करूँगी जब ये मैं बना दूँगी, ठीक है। और इसके साथ मेरे पास ये चार पाँच हरी मिर्चें हैं और थोड़ी सी धनिया है, ठीक है। और मैं इन सब चीज़ों को ना चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लूँगी और फिर इसके बाद हम इसको बनाएंगे। ये जी मेरे दम कबाब बिल्कुल हो गया, इसका बैटर हो गया तैयार। ये मेरे पास है कसूरी मेथी एक टीस्पून जितनी, ठीक है। ये मैं इसमें डाल के ना इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। ये जी मेथी हो गई है इसमें अच्छे से मिक्स। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके बना दूँगी छोटे छोटे से कबाब, ठीक है। और ये हम ऐसे छोटे वाले कबाब, जैसे कोफ्ते वाले होते हैं ना, कोफ्ते के साइज़ के, उस तरह के छोटे कबाब बनाएंगे, ठीक है, इस स्टाइल में। जैसे कि हमारे गोला कबाब होते हैं उस तरह से। मैं आपको ना एक दफा चम्मच से भी बना के दिखा देती हूँ, चम्मच से हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ऐसे हम लेंगे छोटा सा, छोटी सी बॉल लेके ना हम चम्मच के ऊपर ऐसे लगा के इसको ऐसे शेप दे देंगे, ठीक है। शेप देने के बाद हम इसको निकाल के ऐसे रख, हम इसको भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक हो गया, इनकी शेप ऐसे अच्छी आएगी। ये आप मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, सॉरी चिकन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। मैं ये मटन में बना रही हूँ, आपका दिल चाहे तो आप मटन और सॉरी चिकन और बीफ में भी बना सकते हैं। ये इसी तरह से सारे के सारे मेरे दम कबाब मैंने बना के फ्रीज़र में रख दिया था, तो आज मैं इनको बनाने लगी हूँ। मैं उनके लिए क्या करूँगी, मैं ये जो है इनके लिए ग्रेवी बनानी है, तो सबसे पहले मैंने ये फ्रीज़र से निकाल के रख दिया बाहर, और मैं एक पैन में डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद मैं इन कबाब को उनमें छोड़ दूँगी और फिर थोड़ा सा मैं डाल, जब पानी हो जाएगा खुश और ये इनकी बर्फ़ भी ख़त्म हो जाएगी, तो ये मैं इसमें फिर ऑयल डाल के ना इनको फ्राई कर लूँगी। शैलो फ्राई करना है हमने, और तब तक हम इसकी ग्रेवी भी अलग से तैयार कर लेंगे। जी ये पैन हो गया हमारा गरम, तो मैं इसमें दो से तीन घूंट जितना डाल दूँगी पानी, ठीक है। और इसी पानी के अंदर मैं सारे के सारे कबाब छोड़ दूँगी। ये हमारे सारे कबाब इसमें पक जाएंगे, और फिर हम जब इनका पानी हो जाएगा खुश, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल डाल के इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये होने लगे हैं, ये पकने लगे हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये जो झाग आ रही है ना, तो हम ये चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके ना उतारते रहेंगे, हमें ये झाग नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। और इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये इक्वली अंदर तक पक जाएं। हमें इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, कीमा है और हमने इसे बारीक पीसा हुआ है, फिर हमने इन्हें ग्रेवी में भी पकाना है। ये आप देख सकते हैं इनका पानी हो गया खुश तकरीबन, इनको पकाते हुए मुझे कोई 5 से 7 मिनट हुए हैं, ठीक है। मैंने इसको दरमियानी आंच पे रखा हुआ है, मैंने कोई आग हल्की नहीं रखी हुई, ठीक है, ना ही फुल रखी हुई है। तो ये इनका पानी हो रहा है ख़त्म, और मैं आपको चेक करवाऊँ ये कितना गल भी चुके हैं, देखें आप देख सकते हैं ये, ठीक है। और ये मतलब कि हम इनको दम पे भी रखेंगे तो ये और भी गल जाएंगे, तो इसका पानी खुश्क हो जाता है जब तक। फिर मैं इसको ऑयल में डाल के इनको ज़रा थोड़ा सा गोल्डन कर दूँगी, थोड़ा डार्क कर दूँगी, ताकि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। तकरीबन 5 मिनट और पकाने के बाद इसका पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं इसमें ऑयल नहीं डाल रही क्योंकि ये मटन था तो इसमें थोड़ी सी फैट थी, तो फैट में से अपना ही ऑयल निकल रहा है, तो मैं इसी तो इसे मैं उसी ऑयल में ना पकने दूँगी, इनको थोड़ा सा ना डार्क कलर आने दूँगी इसके ऊपर। इसका कलर बड़ा ही प्यारा सा आ गया, ठीक है। मैंने ना अब इसकी इनको जब मैंने ऑयल मैंने ज़रा भी नहीं डाला, वो जो मटन में फैट था ये उसी फैट में से ये इतना सारा घी निकला हुआ है, ये जो ऑयल निकला हुआ है ना ये उसी फैट का निकला हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया इनका, तो मैं अब इनको एक डिश में निकाल लूँगी और फिर मैं इसकी ग्रेवी अब तैयार करूँगी, ठीक है। ये जब ये फ्राई होने लगे थे तो मैंने इनकी इसकी आँच बिल्कुल धीमी कर दी थी, ये मैंने धीमी आँच में इनको कलर आने दिया। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपने इसको इसका ग्रेवी नहीं तैयार करना चाहते तो आप इसी स्टेज पे इसके अंदर रफली काटा हुआ एक बड़ा सा प्याज डाल दें, और साथ में एक दो हरी मिर्चें काट के लंबी वो काट दें, और दो से तीन टमाटर आप
बड़े बड़े टुकड़ों में काट के ना वो डाल दें और फिर मिक्स करके इसको डिश आउट कर दें। आपका बहुत मज़े का, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है तो उसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का आएगा। पैन में मैंने आधा ग्लास पानी डाल के उसे कर दिया गरम। जैसे ही वो गरम हुआ है ना तो उसमें मैंने ये दो मेरे पास छोटे साइज के थे प्याज, मैंने डाल के इनको थोड़ा सा बॉयल कर देना है, ठीक है। जैसे ये बॉयल होंगे ना तो मैं इनको उतार के इनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दूंगी। प्याज होने शुरू बॉयल होने शुरू हो चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो रहा है। हमने इन्हें ज़्यादा बॉयल नहीं करना, हमने इसको पेस्ट बनाना है तो इसीलिए हमने इसको बॉयल किया। अगर हम बिना बॉयल किए पेस्ट बनाएंगे तो इसमें से ना प्याज़ों की कच्ची वाली स्मेल आएगी जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए कर देंगे बॉयल। जैसे ही प्याज का कलर हो जाएगा चेंज और इसका पानी होगा थोड़ा सा कम तो हम इसे उतार के इसको ब्लेंड, ये मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिए हैं प्याज़ों को। और मेरे पास थोड़ा सा है लहसुन, 4-5 होंगे, ये मैं इसमें डाल के ना इसी के साथ इसको ब्लेंड कर दूंगी। ये पेस्ट हो गया बिल्कुल तैयार, अब हम इसे इसमें से निकाल के अपने पैन में डाल देंगे। जी ये वही पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल था ना, मैंने इसमें और ऑयल थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून जितना और ऑयल डाला, ज़्यादा नहीं डाला मैंने, ठीक है। और ये जो मैंने ग्राइंड करके रखी थी ना प्याज, ये मैंने इसमें डाल दी। और ये 1 घूंट जितना मैंने ब्लेंडर में डाला है पानी, और वो जो प्याज सारे थे ना वो मैं इसमें डाल के ना बस 1 घूंट जितना हम पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसमें मसाले डालेंगे और इसमें टमाटर डालेंगे, इसे पकने देंगे ज़रा। जी ये प्याज पक गए बिल्कुल और इन्होंने ऑयल छोड़ दिया, तो अब हम इससे इसमें क्या डालेंगे, इसमें हमने एक हमारे पास छोटा सा टमाटर था वो हमने चॉप करके ना वो डाल दिया और इसे हम गलने देंगे। ये हमारे टमाटर भी गलने वाले हैं, तो मेरे पास है मिसाले, बेसिक मिसाले हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कोई स्पेशल मिसाला नहीं है इसमें। 1/2 टीस्पून मैंने सब चीज़ें ली हैं, नमक 1/2 टीस्पून, कुटी हुई पीसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी मैंने 1 चुटकी से थोड़ी ज़्यादा ली है, थोड़ी सी कलंजी ली है, ये मेरे पास सूखी धनिया ये ली हैं, और 1/2 टीस्पून जितना मैंने 1 टीस्पून जितना मैंने गर्म मसाला लिया है जिसमें लौंग जीरा काली मिर्च ये हैं, बस ये डाल के ना हम इसे भून देंगे। और यहाँ पर हम अपने मसालों को मिक्स करने के लिए इसमें 1-2 घूंट जितना डाल देंगे पानी और इसे थोड़ी से देर पकने देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने देंगे। जी ये मसाला हमारा भून गया अच्छे से और इसका बड़ा अच्छा प्यारा सा कलर आ गया। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो हमने बना के रखे थे ना कबाब वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, और इसे करेंगे मिक्स। और फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी दही। जी हमारे कबाब जो हैं वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया, इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 2-3 टेबल स्पून जितना दही, डालने के बाद इसे करेंगे मिक्स। जी ये ग्रेवी भी ज़बरदस्ती हो गई। अब इस स्टेज पे हम इसमें कटी हुई लंबी हरी मिर्च और साथ में कटी हुई अदरक वो डाल देंगे, डाल के इसे करेंगे मिक्स। और इसमें अब डालेंगे सिर्फ 1-2 घूंट जितना पानी, ठीक है। इतना पानी डालने के बाद इसे करके मिक्स, चूल्हा कर देंगे बंद, पानी को ज़रा पकने देंगे, 1-2 बॉयल आने देंगे पानी में, ठीक है। पानी जाएगा पक, फिर हम इसे डिश आउट कर देंगे। जी ये हमने इसकी आंच कर दी है बिल्कुल बंद, हमारे दम के कबाब बिल्कुल हो गए तैयार। अच्छा अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। मैंने 2-3 बातें और बतानी थी। एक तो मैंने इसमें मसाले में जो मैंने 1/2 टीस्पून जितनी चीज़ें डाली वो मैंने इसलिए डाली क्योंकि ताकि ग्रेवी में भी टेस्ट आए। हमारे जो कबाब बनाए थे मैंने उसमें मसाला बिल्कुल परफेक्ट डाला हुआ था तो मैंने इसलिए उसमें कम डाला। अगर हम उसमें भी ज़्यादा डालते तो हमारे सालन में मसाले नमक मिर्च ज़्यादा हो जाते इसीलिए। और दूसरी बात, अगर आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप वो रख सकते हैं, मैंने इसे बिल्कुल ड्राई कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।